कोई बर्थडे नहीं करी, खत्म है सब, बात नहीं करूंगी ना आपसे ना आपसे। तैयार होना भी, मैंने सबको लेकर जाना है डिनर पर, आज मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आज मुझे बहुत ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे, मुझे फैंस की तरफ से रात को इतने फूल आए, फ्लावर्स आए, थैंक यू सो मच गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। खैर अभी हम लोग थोड़ा सा डांस करते हैं, बर्थडे डांस जो मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं करूंगी अपने बर्थडे पे। तो मुझे रात को फैंस की तरफ से फ्लावर्स भी आए हैं, सो थैंक यू सो मच गाइस। यार सुबह सुबह मेरा व्लॉग भी आ रहा है बर्थडे सरप्राइज, जिसने अभी तक नहीं देखा जल्दी से जाके देखे। ओके यार बहुत बर्थडे डांस हो गया, अब रेडी रेडी होंगे और जाएंगे। ओके गाइस मैंने अपना हाफ मेकअप कर लिया, अभी मेकअप ऐसे ऐसा और कर रही हूँ, रेडी होने वाली, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम टाइम रह गया, और इधर सारा मैंने हीरा पी का मेकअप भी घेरा हुआ है। ऊपर से आ गई सारे, आपका बर्थडे आज मैं अपना मेकअप यूज करना, तो प्लीज कुछ कहना तो नहीं और आप बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दूंगी। नहीं 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 गिफ्ट भी देना बंद करो सारी। बताओ मेरी आज चेंज आंखें बनाई हैं, अच्छी लग रही हैं? वैसी की वैसी लग रही है। यार जल्दी जाओ यहाँ से, मेरी बाद में लुक को सरप्राइज करूंगी तुम लोगों को। सही लग रही है, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप किया, जैसा मैं नहीं करती वैसा किया। एक मिनट फातिमा, तुम मुझसे भी पहले तैयार हो गई, तुम्हारा बर्थडे मुझे बताना जरा। नहीं मैं तो वैसे ही तैयार हूँ, अपने बर्थडे पे इसने लेट किया था, आज मेरे बर्थडे पे मेरे से पहले तैयार होगी, इतनी पंचुअलिटी चाहिए जिंदगी में, गुड गर्ल। और तुम पता है आज तुम्हारी मेरे साथ मैचिंग भी हो रही है, मैं भी आज ब्लैक पहन रही हूँ, मैचिंग गर्ल्स। ये मेरा केक है कैंडल से, हाँ अभी एक और केक भी, और अभी मैंने सबके लिए गिफ्ट भी मंगवाया, वो भी सबको मिलेगा। जूते कौन से पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर ये हील्स पहनूं या फिर ये पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो गाइस एट द एंड आके मैंने ये वाले हील्स पहने हैं, और गाइस सब देखते हैं कि ये लोग क्या रेडी हो, इनको अपने लुक दिखाती हूँ। तो गाइस मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या ही लग रही हूँ, क्या ही लग रही हूँ, बर्थडे का लग रही हूँ, बस सही है, मतलब रूप चढ़ गया है मेरे ऊपर, बर्थडे बेबी लग रही है। खुद तुम लोग फ्रॉक पहने और मैंने मोटा सूट पहना। मम्मा मैंने आपको कहा था अच्छा तैयार हो आप, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है, हैं अभी दे रही हो गिफ्ट, क्या दे रही हो, वो ये मुझे दे रही हो वॉच है। गाय जो हीराबी ने मुझे गिफ्ट दिया है वो मुझे पूरा ही नहीं आया है, माशाल्लाह हर जगह मेरी बाजू थोड़ी मोटी है, वाह इतनी मोटी मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं मोटी हूँ, शुक्र है। ओके गाइस सो मैंने ये सबके लिए मंगवाया, ये इसके अंदर छोटे छोटे से मिनी डोनट्स हैं, ये सबको गिफ्ट में दूंगी वहाँ जाकर, हमें अभी दे दो भूख लगी, नहीं जी अभी नहीं मिलेगा, आज आके मिलेगा। गाइस हम बहुत लेट हो गए, जल्दी करो। ओके गाइस सो मैंने एक ये केक बनवाया जिसमें लिखा हुआ बर्थडे का, ये थोड़ा शाइनी पर्पल है, और एक मैंने बनवाया है ऑस्कर वाला केक जिसमें लिखा हैप्पी बर्थडे राबिया फैसल, ये हमने ऑस्कर बनवाया छोटू सा। और गाइस अनफॉर्चुनेटली पापा आज हमारे बर्थडे पे नहीं है क्योंकि उनको जरूरी काम था, तो इसलिए वो गए हैं, उनको फिर कभी ट्रीट दे देंगे। अभी आपके अरीब भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं, मेरे सारे दोस्त भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं, और ये बहनों को मैं पकड़ के निकलती हूँ, चलो लड़कियों। और गाइस फाइनली हम लोग निकलने लगे हैं, तो लड़कियों जल्दी से बाहर आ जाओ, आप लोगों को एक एक करके इनके लुक्स दिखाती हूँ कि मेरे बर्थडे पे ये लोग क्या तैयार हुई है, लेट्स सी। तो ये आई है घर की सबसे स्टाइलिश बेटी, आज अच्छी लग रही हो, आज कोई फनी आपके ऊपर लाइन नहीं बनाऊंगी मैं, आपका बैग बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मतलब और ये आई है घर की क्वीन, मम्मा ने आज मेरी तरह ब्लैक पहना है, गुड गर्ल मम्मी, गुड गर्ल ट्विनिंग की है राबिया से, आई लव यू राबिया। और ये आ गई है घर की सेंटर वाली बेटी, इसने भी आज ब्लैक पहना हुआ है, अपने मेन नकल से आज सबने ब्लैक पहना हुआ है, आज गर्ल तुम लोग मेरी राबिया बने हुए आज, मिनी राबिया। और ये आ गई है सबसे छोटी बेटी, इसने भी पूरा ब्लैक कॉपी राबिया की, चलो आ जाओ। और ये इसको मैंने ले लिया, जाओ आप इधर कैमरे से हटो, गाइस पापा को हम लोग मिस कर रहे हैं, आप ही उधर आ जाएगी, आपी को और अरीब को हम वहाँ जाके देखते हैं। और गाइस देखते हैं तो आपी और अरीब भाई किस तरह का रेडी होंगे, उनका भी जाके देखते हैं। खैर यहाँ से सामान वगैरह सारे केक शेक पकड़ो और गाड़ियों में रखो, ना जल्दी निकलो बस, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए, मेरे सारे दोस्त वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और हमने बहुत अच्छा डेकोर किया वहाँ पे, आप लोग देख के ज्यादा खुश हो जाएंगे, चलो रखो इसको सामान। ओके गाइस फाइनली हम लोग गाड़ी में सारे फंस फूस के बैठ गए, और जैन महारानी आप क्यों आगे आज बैठ गई है, मम्मा को क्यों नहीं बैठने दिया, क्योंकि मैं वीआईपी हूं काफी ज्यादा, बस कर दो क्योंकि यार मम्मा के हस्बैंड साथ ही, इसलिए मम्मा पीछे बैठी है, राबिया के साथ बैठ। तो यार अब निकलते हैं और जाके लोकेशन पे पहुंचते हैं, सारे ऊंची आवाज से बोलो हैप्पी बर्थडे राबिया, हैप्पी बर्थडे राबिया, सबसे प्यारी
और जाके फन करते हैं यार। बाकी सब एक साइड पे, लेकिन फातिमा के जूतों को फोकस कर रहे। फातिमा तुम ऐसा कर, तुम गाड़ी की रानी हो, क्या तरीका है बैठने का? फंस चुकी है नीचे। हम सबको इतना फंस के बैठना पड़ा, आप भी चली गए, फिर भी हम गाड़ी में पूरे नहीं आ पा रहे सही तरीके से। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये लड़कियां, चलो जल्दी चलो चलो यार, अब निकलते हैं और जाके देखते हैं। क्या कर रही हो लड़कियों, क्या मसला है? हंस रही है, खराब है तुम्हारे साथ, मोए मोए हो रहा है थ्रू आउट। ना मेरे बलून अंदर जाने दिए, ना नार कैंडल जाने दिए, ये सही बर्थडे में कैसे मनाऊंगी फिर? इतनी मुश्किल से गाड़ी पार्क की, यहाँ पे इतना इतना रश है। अब इनसे हमने अलाउ करवाया कि हमें नार कैंडल अंदर ले जाने दें, उन्होंने खड़ी हो गई है सारी। अब लेट्स सी के ऊपर क्या डेकोर हुआ, मैंने क्योंकि अभी तक कुछ नहीं देखा। ओके गाइस, देखते हैं कैसा है। मैं ना जरा वो वाला रिएक्शन देती हूँ, कैसा है? बहुत प्यारा है, गिर ना जाओ अपने बर्थडे पे गिर जाओ। वाह, ये मैंने गाइस खुद डेकोर करवाया ये वाला, ये मैंने खुद जो है ना फ्लावर्स जिसने बोला था लगाएं, और ये लाइटिंग, और ये मेरा हैप्पी बर्थडे, और ये कितनी प्यारी हैं। और गाइस मुझे आकर लगा था कि सब लोग आ गए होंगे, बट अभी तक तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। और हिरापी जो है ना वाते साथ अपना शूट करवाने लग गया, ऐसा लग रहा है उसका बर्थडे, मेरा नहीं है, मैं शूट नहीं करवा रही, वो करवा रही है। बट यहाँ पे व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना, ये इसे कहते हैं डेस्टिनेशन बर्थडे हो गया। थोड़ा बहुत तो डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन का मतलब पता है मुझे, दूसरी जगह पे जाना है, लेकिन फिर तुम भी को मैं अपने घर से उठ के दूसरी जगह, मैं अपने घर से उठ के दूसरी जगह पे आई, उसको भी डेस्टिनेशन ही कहते हैं वैसे। और गाइस, तो मेरी एक फ्रेंड आ चुकी है फाइनली, हेलो, अच्छी लग रही हो, थैंक यू आने के लिए। बाकी कोई भी नहीं आया, बाकी सब किधर रह गए? बुशा किधर है? वो अपने अपने घरों से आ रहे हैं, इजी हो गए, वो लोग पता नहीं कब आएंगे। खैर चलो तुम बैठो, सब इंजॉय करते हैं, अभी कोई कुछ इंजॉयमेंट ही नहीं हो रहा मेरे बर्थडे, बोरिंग बर्थडे लग रहा है। अबे ढोल वाले बुलाए हैं? ढोल वाले नहीं, कोई फन तो होना चाहिए मेरे बर्थडे, वैसे लगता है बोरिंग सारे बोर होके बैठे हैं बस। हाँ अभी सब आएंगे तो होगा, भंगड़ा डालने के लिए बुलाया, थोड़ा डांस करके दिखाओ फिर मजा आएगा। चल तुम्हारी मेहंदी है, पता है इतना रबे आप भी नहीं आ रही, क्या बताऊँ माँ, अब ये मजाक का मैसेज करें, अगर आप मेरे साथ प्रैंक करनी है तो इट्स वेरी बैड। की बॉल है ये, वो कह रही मेरे घर में इतना काम खिल रहा है, जो तुमने मेरे साथ प्रैंक किया था सीरियस में हुआ। अब उसकी शादी हो गई है, वो घरेलू औरत बन गई है। अभी अगर आप ब्लॉग देखे तो आपसे कभी बात नहीं करूंगी अगर आप आज ना आई, कट्टी कट्टी। और गाइस, मेरी सेकंड फ्रेंड भी आ गई है। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा कि तुम नहीं आ रही हो, तुमने मेरे से प्रैंक किया, और जो पता है मैं तुमसे गुस्से में, तुम्हें इट्स ओके बोला था, फुल मूड पे थी इस टाइम में। आ जाओ बैठो, और तुम लोग का मेरे खाने के इतना वेट करवाया, खाना ठंडा हो गया, जल्दी आ जाओ। ओके गाइस, आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने मेन्यू में क्या क्या रखा हुआ है। हमारे पास है चने, ममा पहले खा रहे हैं, सॉरी गोलगप्पे के चने हैं, गोलगप्पे हैं, एंड ये सारे सैलेड वगैरह है, और इसमें ये गोलगप्पे का पानी है, और ये है बिरयानी चावल नान। यार मैंने इतना खाना रखा है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा हुआ, टिक्के शिक्के, मैं तो काफी अच्छा बर्थडे ऑर्गेनाइज करवा लिया। और ये मैंने क्या रखा है, मैंने बर्गर भी रखे और मैंने कबाब भी रखे, ये तो ऐसा रखा है मैंने अपनी शादी करवा दी है। ये चाउमीन है, ये पास्ता है, और ये है चाइनीज। और यार ये जो है हमने सारे जो है मीठे के लिए, मीठे में इतनी चीजें, जेली है मेरी फेवरेट, और ये केक शेक है, ये चीजें हैं, वाओ। तो ये सारा जो है ये दी स्काई ने अरेंज करवाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग इट। और ये है गुलाब जामुन, और ये है केक। ये क्या है, मुझे लगा किसी की शादी हो रही है, एंगेजमेंट, इतना सारा खाना, मतलब बहुत यार, सूप यहाँ पे देखो मैं पैदा हुई हूँ वही बहुत बड़ी बात है वैसे, इतना खाना खुल के खाओ, ठीक है? खाना रखा हुआ है मुझे तो, तुम लोग को जूसी करेगी, और आपने देख लो कितना खाना, इतने में आगे की दो एंगेजमेंट हो जाए, और आगे पैदा हुई बहुत बड़ी बात है, तो तुम लोग मुझे वो करो। मेरे गिफ्ट कितने हैं लड़कियों? वो पड़े हुए सारे, वो टेबल पे गिफ्ट पड़े हैं, ठीक है वो पड़े हैं, उसकी अनबॉक्सिंग का एक अलग ब्लॉग होगा, तो वेट करें, इन्होंने पता नहीं मुझे क्या क्या दिया, बदतमीजी। चलो जाओ खाने शाने डालो, जिसकी बर्थडे होते हैं उसके तीन ब्लॉग परमानेंट होते हैं, एक रात सरप्राइज वाला, एक जो है वो बर्थडे वाला, और एक ब्लॉग की अनबॉक्सिंग। जितना खाना ना तुम्हें एक अलग ही ब्लॉग बनाना चाहिए खाने पे। हाँ। मेरे बर्थडे में खाना क्या, ये टाइटल होना चाहिए। मेन्यू में क्या क्या दिखा सकते हो अलग वीडियो में, बट हम कहेंगे इसी में दिखा दो, पागल हो आवाम ने चित्र उतार के इसके पीछे कमेंट में सारे चित्र ही मोदी टाइप करो। आप ही को सब मैसेज दे दो कि आप ही से हम सब नाराज हैं, आप ही ने इतना ज्यादा खाना मिस कर दिया, मेरे को अपना प्रोटोकॉल नहीं, तो मेरे पे नहीं आई, मैं नाराज हूं उससे बहुत ज्यादा, मेरे पे नहीं आई थी क्योंकि मेरे पे तो वो बाहर थी। हां खैर, अब खाना शाना डालते हैं और चलो बैठो जाके, चलो फिर आप यहां पे गोलगप्पे खाने पे फोकस ओनली, और कुछ नहीं। फातिमा तुम्हारी बहन की शादी है जो तुम इतना खाना डाल रही हो, तुम्हारी शादी है इतना खाना, मेरा तो बर्थडे है, फातिमा ने फुल प्लेट भर लिया यहाँ पर। और गैर तो मैंने खाने में ये डाल लिया है, मम्मा कुछ भी, मम्मा भी सेम एरिया से चीजें लेकर आई हैं। अब टाइम है सबको गिफ्ट देने का, जो मैंने सबके लिए बनवाए थे, तो ये सबको मैं देती हूँ, क्यूट सी बास्केट मैं दूंगी, वापस दे दो। ओके फातिमा ने यहाँ पे गेम पकड़ी है, सबको कैच करवाएगी, फेंको, टू थ्री, चलो देखो फिर आप भी बीच में हो इस गेम के, वन टू थ्री, वाह पापा तुम अच्छे तरीके से फेंको,
मैं सिर्फ ये फन कर रही हूँ, ये सबके लिए मैंने रियल में छोटे छोटे आपको अंदर से दिखाती हूँ। मैं डोनट्स बनवाए थे सबके लिए, क्यूट क्यूट डिजाइन क्यूट से, ये डोनट्स आर वेरी क्यूट। गाइस ब्रेकिंग न्यूज, राबे के बर्थडे का खाना खा के ज़ैनब का हुआ पेट खराब, तो ये खिलाओ और पेट खराब हो जाएगा। गाइस आई एम वेरी यू गाइस, मेरी बर्थडे का केक कटोरे लगा है, तो सारे लाइन में आ जाओ। बस यही है, आप ही और अरीब भाई नहीं है और पापा भी नहीं है, बाकी हम सब है। ज़ैनब की तबीयत खराब और यहाँ पे खाना खाने की बजाय ग्रीन टी आकर पी रही है। अपने स्कूल के इवेंट पे तुम्हें कुछ नहीं होता, मेरे बर्थडे पे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। ज़ैनब की तबीयत खराब हो गई, वाह ब्लॉक कर लोगे, ज़ैनब की तबीयत खराब हो गई। राबिया की बर्थडे का मैंने नहीं बनाया था, अगर मैंने बनाया था तब पेट खराब होता उसका। पेट तो तुम्हारी तरफ से है ना, रिस्पॉन्सिबल तो तुम हो ना। तो गाइस मुझे पता नहीं लग रहा था मेरा बर्थडे, बट अब याद आ गया तो हम लोग कैप भी पहन लेंगे। पेंडुओं की तरह ऐसे नहीं ना पहनते, ऐसे अच्छा ऐसे पहनेंगे। और साथ ये हमने पार्टी पॉपर्स भी ले आए हैं, ये फटेंगे, फट जाए लेकिन फटते नहीं। थोड़ा साथ आओ और आ गया फेस पास, पास आ जाओ सारे, चलो फेस पास और सामने देख। अरे फातिमा यार प्लीज मत करो यार, फातिमा कंटेंट खराब कर रही है, फातिमा मेरा कंटेंट खराब कर रही है। फातिमा चाहती नहीं कि मेरे लगा दूसरा कंटेंट, बहुत अच्छी बात की है, यही चाहिए, यही है। चलाएं किससे इसको, माचिस चाहिए हमें। एक सेकंड मेरे पीछे पीछे चेक करनी है, चलो चलो चलो। हां आइंदा का मैं कोई बर्थडे नहीं कर रही, खत्म है सब। चलो कोई बात नहीं, बहुत गंदा लग रहा है ना, नहीं तो ऐसा ही लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ आइंदा मैं कभी बर्थडे ना करूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत बुरा असर किया है। केक भी फुल बुरे कर दिया इन्होंने इस टाइम पे, काट कूट कर। अब बर्थडे खत्म होता है, ये लोग मुझे परेशान करने से बाज नहीं आएंगे। फिर भी ज़ैनब तुम मुझसे बचो, तुमने सारा मेरा मुँह गंदा किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस करो सबसे ज्यादा आपने किया, मुँह मैंने साफ किया। चलाक और गाइस तो हिराब भी इस टाइम मेरा फिर से रिटच करिए, क्योंकि इन्होंने मेरा मुँह बिल्कुल खराब कर दिया। चलो हो गया, अब हम पिक्चर्स देंगे थोड़ी सी। ओके थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए। तुम लोग के गिफ्ट घर जाके खोलूंगी और सबको दिखाऊंगी, देखते हैं तुम लोगों ने क्या क्या दिया। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बाय। अब चलो जाओ, मजाक कर रही हूं। मम्मा स्पेशल बुशरा से इधर मिल रही हैं, बस हो गया मम्मा। मैंने राबिया के बजाय बुशरा को बेटी बना ली मम्मा, ठीक है। यहाँ भी मम्मा यही करेगी, मुझे नहीं प्यार करेंगी उसको करेंगी। इतना ज्यादा किया है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरी दोस्ती है, मुझसे तो मिल लो। बाय बाय बाय। ओके मम्मा ने इसको भी अपनी बेटी बना लिया है। ओके गाइस तो फाइनली इवेंट जो है वो होता है ख़त्म, राधा का बर्थडे होता है ख़त्म। 12 बज के ऊपर टाइम हो चुका है, मतलब मेरा बर्थडे ख़त्म है। अब मुझे खुशी नहीं रही वैसी, इनफैक्ट मैं इतना थक गई हूँ ये हील्स पहनकर, और इधर हिरापी को अपने शूट की पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है अगले दिन में इसका बर्थडे स्टार्ट हो गया। खैर अब निकलते हैं घर और जाके गिफ्ट वगैरह पकड़ते हैं। गिफ्ट में क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगी, इसके अंदर लोगों ने मुझे क्या क्या दिया है। तो ये जो है डिफरेंट हमें गिफ्ट मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मिले हैं, तो आपको सारे अनबॉक्सिंग में। और मेरी बहनों ने मुझे क्या दिया वो भी अनबॉक्सिंग में आप देखना। अब चलो घर, चलो नीचे उतरो, आपने बहुत शूट करवा लिया हीरा पे, बस कर दो। इतनी मजे की फातिमा और ज़ैनब जो है ऑलरेडी माशाल्लाह दोनों नीचे भाग गई हैं, तो चलो तुम दोनों मुझे छोड़ के चली गई थी ना, कहाँ भाग रही दोनों, दोनों को बस पिक्चर्स है ना मेरी बर्थडे। हाँ मम्मा का बर्थडे लगा, हमारे बलून जिन्होंने आने नहीं दिए, तो बलून के साथ मैं नीचे जाके थोड़ी बहुत पिक्चर्स बना लूंगी, मेरे बलून मुझे इतना मिस कर रहे हैं। ओके गाइस तो ये मेरे बलून से जो मैंने स्पेशल मंगवाए थे अपने लिए, बट इन्होंने ऊपर लेके नहीं जाने दिए, तो इनके साथ हम लोग पिक्चर्स बनाते हैं प्यारी प्यारी सी। तो हमने बलून को डिग्गी में फिट कर लिया है, अब चलो चलते हैं घर की तरफ। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और मैं अपने प्यारे प्यारे बलून को भी ले आई हूँ घर पर, तो चलो बहुत थक गए हो, निकाल लो लेके आ गई गुब्बारे। चलो यार गाड़ी से गिफ्ट से निकाल लेना, क्योंकि गिफ्ट गिफ्ट ही तो हमारे खास है, जब गिफ्ट खुलेंगे तो मतलब पता नहीं मुझे किस किस ने कैसे इतने प्यारे मेरे बलून्स। मम्मा निकाल लेंगे, मम्मा ने दरवाजा बंद कर दिया है। मम्मा आपका कोई हाल नहीं है, अब वो लोग ही खोलेंगे, इसको खोलो गुब्बारे को भी है, ये भी हमारा क्यूट सा गुब्बारा है। और यार ये मेरे सारे दोस्तों के गिफ्ट्स हैं, इसको पकड़ो, फ्लावर्स हैं,
मेरा एक बलून ऊपर चला गया मम्मा, मेरा बलून उड़ गया। और गाइस जो मेरे सारे गिफ्ट्स हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में भी, जैसे अगला आएगा अनबॉक्सिंग है उसके अंदर आप उसका आप लोग वेट करें व्लॉग का। तो गाइस ज़ैनब तो इस बीमार हो गई है, माशाल्लाह ज़ैनब को लगता है नजर लग गई है क्योंकि ये आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लगी थी। चलो मानो कोई बात नहीं ठीक हो रही, ज़ैनब को एक्चुअली में गाइस बुखार हुआ है तो इसीलिए मम्मा इसको दवाई दे रही है। पहले स्कूल गई है फिर तेरे बर्थडे में गई है, बीमार हो गई देख लो। मम्मा के सर पे पार्टी पॉपर चढ़ा हुआ है, अब ज़ैनब रेस्ट करेगी और कल स्कूल से छुट्टी करेगी। कल किसी इवेंट में नहीं जाना, उसने जाना है रेस्ट करो दवाई का और बस सो दो शाबाश। गाइस आप ही आ चुकी है फाइनली, मेरा बर्थडे सारा खत्म हो गया, अब जाके आप पे ही और मैं आप ही से बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ, बहुत गुस्सा ही नाराज हूँ। अब देखना मैं उसके साथ उसको मैं अंदर एंटर नहीं करना। आप ही क्या है, मुझसे बिल्कुल बात ना करो, बात नहीं करूंगी ना आपसे ना आपसे। मेरे जीजा जी भाई दोनों नहीं आए, मेरे एक ही इकलौता भाई आप मेरे साथ नहीं आए। सबसे इंतजार कर रही होगी। क्रॉस क्रॉस बाय, इस घर में कोई एंट्री नहीं अब दूंगी, मेरे बर्थडे पे नहीं ना कट्टी कट्टी कट्टी। वैसे हो रही है, चाहे आपका घर है, आपकी बहन नहीं थी जो आप मेरे बर्थडे पे नहीं आ सकी, गलत बात। क्या दिल टूटा, चले क्रॉस क्रॉस लड़ने के लिए पूरी टीम बाहर ले आ। बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, माफी इसीलिए मिलेगी अगर तो मुझे मिल जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं किस तरह आप ही को माफी दी। मैं चपेड़े मारूंगी तुम्हें, कितने मजे में आ रहा था। चल यार आ जा यार, गाइस चैलेंज हो शायद फिर माफी हो या चले आ जा। तो गाइस मुझे भी होटल वालों की कॉल आई है कि ज़ैनब जो है ना अपना बैग उधर ही भूल आई है वहां जहां बर्थडे वाली जगह पे। अब देखना मैं इसके साथ क्या करती, चाहे बीमार है फिर इसकी क्लास लूंगी मैं। ज़ैनब आपका बैग किधर है मुझे बताना जरा, इधर ही पर कहीं पर पड़ा होगा। वहां मुझे होटल वालों की कॉल आई है अपना बैग वहीं पे भूल आई है ज़ैनब। हरकत देख लो इसकी, तो पैसे तब याद आ रहे हैं और मेरा वो मेरे ट्रिप के पैसे देने थे, ट्रिप की इसके 10 रुपए थे उसमें, मेरा इतना महंगा बैग था वो, दोस्त के लिए पैसे 10,000 पूरा अंदर सोचो समझो अंदर 10,000 था। और मम्मा ये उधर बैग भूले, उनकी मुझे कॉल आई है कि आपका बैग यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ गिरा पड़ा उधर छोड़ा ही जाने बैग। अब कौन से मैं अब उनको मैंने कॉल किया कि आप रख ले हम कल आके ले जाएंगे, अकल कर लो ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ थोड़ी सी तो मंगवाओ ना यार, मंगवाओ ना यार। अच्छा इन दोनों को देख लो, प्यारे भी है बर्थडे वाला तैयार भी नहीं हो गए हैं। ये इनसे मैंने बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। केक लेके आई है मैं देती इधर आई केक ये केक के लिए मैं बताती। चलो कोई बात नहीं, मैंने आप ही को माफी दे दी है, कोई बात नहीं। सारे एक दफा मिल के बोलो राबिया सबसे प्यारी और हैप्पी बर्थडे राबिया। राबिया सबसे प्यारी, बर्थडे राबिया। कैसे ये देखे जरा चित्र, ये जो ये जो चित्र इसने पहने हुए ना, बड़ी होने की वजह छोटी हुई जा रही। मेरे किसी दोस्त ने मुझे विश किया हैप्पी 12th बर्थडे राबिया। 12 साल दी राबिया, चलो पीछे 12 सिंगा पे जाए। चलो यार मजा आया आज मुझे।